यदि आप बेरोजगार हैं, नौकरी की कोशिश करते करते थक चुके हैं, नहीं मिल पाई है, मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं, घर की व्यवस्थाएं आपको इजाजत नहीं देती कि आप बाहर जाकर के पैसा कमाएं, तो आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो घर से बाहर निकल करके पैसा नहीं कमा सकते। घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनके पास रहना पड़ता है, छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाना लिखाना पड़ता है, और आजकल लड़कों की स्थिति ये है कि एक या दो लड़के ही घर में होते हैं। पहले का जमाना अलग था, जहां सात सात बेटे होते थे, मगर आजकल की व्यवस्थाओं के हिसाब से एक या दो बस। तो ऐसी स्थिति में आपको घर रहना भी जरूरी होता है। माँ बाप की अच्छी सेवा करने के लिए लोग बाग घर से बाहर नहीं निकलते, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। तो ऐसी स्थिति में आपको पैसा तो कमाना चाहिए, क्योंकि मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। धन सब कुछ नहीं है, मगर कुछ है, और इस कुछ है के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। अब बात आती है पैसा कैसे कमाएं, हाउ टू अर्न मनी। दोस्तों, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो आप अपने खेत में शुरू कर सकते हैं, खेत से शुरू कर सकते हैं। यदि रोड साइड के आसपास आपका खेत है, तो आज मैं इस वीडियो में दो तीन बिजनेस बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, जिसमें आप ये बिजनेस करके लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं, और अपने खेत से लाखों रुपया कमाने का ये एक बहुत ही शानदार मौका है। इस मौके को गंवाइए नहीं, इस मौके को काम में लीजिए। पहला बिजनेस जो मैं बताना चाहता हूं वो है प्याज का होलसेल बिजनेस। दोस्तों, प्याज एक ऐसी सलाद का रूप में कह सकते हैं, प्याज की सब्जियां बनती हैं, प्याज की चटनी बनती है, प्याज बहुत काम में लिया जाता है, और देश के कोने कोने में, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाइए, चाहे दक्षिण से उत्तर की तरफ जाइए, पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ जाइए, इंडिया के हर कोने में प्याज को काम में लिया जाता है। जब देश का हर नागरिक प्याज को यूज करता है, तो ऐसी स्थिति में इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। अब बात आती है डिमांड बढ़ने के बाद में प्याज की भाव क्या रहते हैं। दोस्तों, प्याज मैंने 5 रुपये किलो बिकता देखा है, एक ही साल की बात कर रहा हूं। एक बार जब फसल निकलती है, उस समय 5 रुपये किलो भी देखा है प्याज, और वही प्याज जब तक दूसरी फसल नहीं निकलती है, तब तक 100 रुपये किलो भी बिकता हुआ देखा गया है। जब इतना इनमें इनके भाव में या ये रेट्स में उछाल आता है, तो ऐसी स्थिति में प्याज आपको लखपति नहीं करोड़पति बना सकता है। इसके लिए आपको करना क्या होता है, अपने खेत में एक बहुत बड़ा स्टोर बना लीजिए, शेड बना लीजिए, जो टिन शेड हो सकता है, चारों तरफ जालीदार वो लगा करके कुछ, और उसको शेड को बना लीजिए, या पक्का चिनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अंदर नीचे से आपको कच्चा रखना पड़ता है उसको। क्यों रखना पड़ता है कि प्याज को स्टोर करने के लिए आपको उसमें हवा मिलनी बहुत जरूरी होती है, लाइट मिलनी बहुत जरूरी होती है, सीलन नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में प्याज को आपको स्टोर करना है, और वो आप गांव के रहने वाले हैं तो जरूर समझते हैं कि प्याज को स्टोर कैसे किया जाता है। यदि फिर भी आप नहीं जानते, तो मेरी इसी चैनल पे आप एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि प्याज का भंडारण कैसे करें, उसको देख लीजिए, आपकी पूरी बात समझ में आ जाएगी। 10 रुपये किलो आप यदि प्याज खरीदते समय निकलता है प्याज, या फसल जब प्याज की आती है, तो 10 रुपये किलो आप प्याज खरीद कर रखेंगे, वो 50 से 60 रुपये किलो तक इजीली बिक जाता है। मैं कहना चाहूंगा, आप इतना इंतजार मत कीजिए। आपने 10 रुपये किलो प्याज खरीदा है, अब 20 रुपये किलो जब होता है तब निकालना शुरू कर दीजिए, 30 रुपये किलो है तब तक निकल के आप कमा के दूर हो जाइए। ये 3-4 महीने का आपका बिजनेस है, और इसके बाद में जब आलू की फसल आती है, तो यही बिजनेस आप आलू का कर सकते हैं। आलू की भी यही स्थिति है, और आलू 5-7 रुपये किलो जब फसल आती है, तब 5-7 रुपये किलो होता है,
बाद में 20 रुपए किलो हो जाता है, 30 रुपए किलो हो जाता है। तो आलू भी हर घर में आलू काम में लिया जाता है, ऐसी स्थिति में ये बिजनेस भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको संसाधन क्या क्या चाहिए। आपको एक पिकअप की जरूरत होती है, दो आदमियों की जरूरत होती है, एक ड्राइवर और एक आप खुद, या यूं कह सकते हैं आप ड्राइवर खुद हैं तो एक आदमी और रख लीजिए, बस केवल दो आदमियों की जरूरत है। 5 से 4-7 लाख रुपए की पूंजी की जरूरत है आपके पास, और होनी चाहिए। कैपिटल जिसको कहते हैं, रनिंग पूंजी जिसको कहते हैं, वो होनी चाहिए। और आप इससे इतना पैसा कमा लेंगे कि आप सोच ही नहीं सकते कि प्याज और आलू के बिजनेस में कितनी कमाई है। अब बात आती है, जब आपने आलू और प्याज का बिजनेस अपने खेत में कर लिया है, तो एक आदमी वहां वॉचमैन की जगह, या यूं कह सकते हैं एक आदमी 24 आवर्स वहां रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको वहां एक छोटा सा बिजनेस और बता देता हूं इसके साथ में, वो भी आप कर सकते हैं। वहां आप एक चाय का ढाबा या रेस्टोरेंट या होटल, जो भी आप जो बिजनेस आप जानते हैं वो कर लीजिए। रोड किनारे आपका खेत है, रोड किनारे पर ये सारे बिजनेस हैं, तो वहां एक आप चाय का होटल या रेस्टोरेंट या ढाबा कर लीजिए, खाने का ढाबा, जो आप जिस पेशे से आप जानते हैं या आ वहां संभव है वो कर लीजिए। अब उसमें क्या होगा कि वो वहां दो आदमियों की जरूरत रहेगी, एक आदमी खाना बनाने वाला और एक आदमी सर्व करने वाला, तो वो दो आदमी और रख लीजिए और उसमें भी आप अच्छा पैसा कमा लेंगे। ये तीनों बिजनेस आप यदि एक ही परिवार के सदस्य, यदि 3, 4, 5 सदस्य हैं और वो एक ही परिवार के हैं, तो वो यदि करना चाहते हैं तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें, और मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।